हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइगेन वैल्यूज के बारे में। हाइगेन वैल्यूज डिफाइंड, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर के डिफाइंड है जो ए माइनस लेमडा आई ऐसे लिखा जाए, वो हाइगेन वैल्यूज होता है। तो इस टाइप के लिखा जाए ए माइनस लेमडा आई, जहाँ पे आई एन ऑर्डर के nth ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया, एक एग्जांपल लेते हैं 5 4 1 2। ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और इसे हमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि हाइगेन वैल्यूज क्या हैं इसके। तो चलिए दोस्तों, इसको फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम ए माइनस लेमडा आई के रूप में लिखते हैं। तो ए यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा है, ए ये गिवन मैट्रिक्स है। तो ए माइनस लेमडा आई, तो यानी कि 5 4 1 2 ये मैट्रिक्स हो गया। माइनस ये हो जाएगा लेमडा, यानी कि लेमडा 0 0 लेमडा, ये हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्स्ट्रैक्ट किए, तो 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0, 1 माइनस 0 और 2 माइनस लेमडा। इसको फिर से हमने लिखे 5 माइनस लेमडा, 4 1 और 2 माइनस लेमडा, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस लेमडा, 4 1 2 माइनस लेमडा, ये डिटरमिनेंट हो गया। इसका डिटरमिनेंट हम जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करके और सब्सट्रैक्ट कर दें, तो 5 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा और -4 = 0। इसके बाद ये ठीक है, इसके बाद डिटरमिनेंट होती है ये कंप्लीटली। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा +6 = 0। और इसको सॉल्व करेंगे इसी 2 डिग्री इक्वेशन को, तो λ = 6 और 1 आएगा। तो इस 6 और 1 को हम इसमें, पहले 6 और इसमें रखेंगे, फिर 1 इसमें रखेंगे। तो पहले 6 रखा जाए, पहले 6 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा -4 -1। अगर 6 रख रहे हैं तो -1 6, उसके बाद 4 1 और -4, ये आया। इसके बाद -4 आ गया। अब इसको हम एज एक्स और y = 0, फिर उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 यानी कि -x +4y = 0, ये आया। अब इन दोनों को, तो इसको x = 4y और y = 1, तो यहाँ पे आ गया 4 और 1, ये हो गया मेरा पहला
हाइगेन वैल्यू, ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट हाइगेन वैल्यू। सेकेंड हाइगेन वैल्यू निकालने के लिए हम वन पुट करेंगे, तो वन पुट करने के करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन, तो पुट करें तो फोर इस इक्वेशन में, फोर फिर फोर, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, और इसको एक्स और वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू जीरो। फिर से हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों मैट्रिक्स को, फोर एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी फिर इसको किए तो एक्स 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 इक्वल टू माइनस फोर वाई, तो ये फोर 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 गेट कैंसिल, फोर वन इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पे हाइगेन मैट्रिक्स हाइगेन वैल्यू हमारा जो आएगा वन और माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे ये सेकेंड हाइगेन वैल्यू है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व होगा। ओके थैंक यू गाइस। अगर आपको और कुछ जानना है इसमें डिटेल्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर वीडियोज बनाऊँगा। तो थैंक यू गाइस।